मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा चुनाव का परिणाम, लेकिन मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि जो हमको अधिकार आज मिला है उस अधिकार की हमको रक्षा करना पड़ेगा। कहां से इनको इतना अहंकार आया है कि चुनाव होने से पहले ये देश को दावा कर रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत गए हैं। इस अहंकार का बदला इस देश की जनता को इनसे लेना पड़ेगा। इस देश की जनता को यह सोचना पड़ेगा कि एक तरफ दावा भरा जा रहा है, झूठ का दावा भरा जा रहा है। क्या दावा किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो गई। बजाइए ताली। देश की इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई तो यह तो खुशी की बात है, इसमें दुख की कोई बात तो है नहीं। दुख की बात तब होती है कि जिस मुंह से कहते हैं कि इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है, उसी मुंह से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। समझे खेल? खेल समझे कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए मुफ्त में लाइन में लगे हुए हैं? इसका मतलब यह है कि धन बढ़ा है, धन पशुओं का, संपत्ति बढ़ी है, प्रधानमंत्री के 2-4 दोस्तों का, रोजगार मिला है गृह मंत्री के बेटा को, और भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई किस पे हुई है? भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई उसी की हुई है जो मोदी जी को जादू का झप्पी नहीं दिया है। जो जो मोदी जी को जादू का झप्पी दे देता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी जी ने मामला बिल्कुल साफ कर दिया है। आमने सामने दो ही ऑप्शन है, या तो जेल जाओ या भाजपा में आओ। समझे? तो परवे साहब जो हैं वो अगर भाजपा में गए हैं ना तो इसलिए गए हैं कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं जनता 400 के झांसे में आ जाए, रामटेक की जनता को अगर एक बार और ठग लिया जाए तो जेल जाने की बजाय पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। ये मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने हैं। नहीं तो जेल का दरवाजा खुला हुआ है। अब यहीं पे आम लोगों को ये सोचने की जरूरत है, ये विचार करने की जरूरत है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता मेरे पास आया और बड़ा जोर जोर से बोल रहा था। हम बोले सुनो जरा संभल करके बोलो, कल को बीजेपी अगर ज्वाइन कर लिए ना तो मौसा मौसा कह करके हाथ जोड़ना पड़ेगा। प्रचार इसलिए किया जाता है ना ताकि सच्चाई छुपाई जा सके। 400 का प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि सच्चाई छुपाई जा सके, और सच्चाई इस देश की जो 10 साल में इन्होंने पैदा की है वो खतरनाक है, वो चिंताजनक है। सच्चाई ये है कि इस देश में हर एक घंटा, और पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सिपाही जी, नोट कीजिएगा, चुनाव को भेज दीजिएगा, हर एक घंटा, नहीं कीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, हमको डरे नहीं लगता है, न गृह मंत्री से, न प्रधानमंत्री से, न ईडी से, न सीबीआई से, न जेल जाने से, रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिएगा। 10 साल में इन्होंने देश की हालत यह की है कि हर एक घंटा 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं। अगर आप 5 बजे से इस मीटिंग की इंतजार कर रहे थे, अभी 9 बज रहा है, तो इस 4 घंटे में देश के किसी ना किसी कोने में 8 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली होगी। 10 साल में उन्होंने देश की हालत यह की है कि लगभग इतने ही समय में 2 किसान आत्महत्या करते हैं। 3 मिनट के भीतर इस देश में किसी ना किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, लेकिन वही किसान जब अपने बीमार बच्चे के लिए दवाई खरीदने के लिए जाएगा तो जो 5 रुपया में मिलता था पारासीटामोल, अब 15 रुपया में वो पारासीटामोल मिल रहा है। हमारे गेहूं का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारे कपास का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारे मक्का का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारी सब्जी का दाम हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन रोज स्कूल का फीस बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, कपड़ा का दाम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बढ़ रहा है, मोबाइल का रिचार्ज बढ़ रहा है। मोबाइल के रिचार्ज से याद आया, प्रचार सुनते थे ना,
जियो धन धना धन, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है बचा है कुछ मुट्ठी में, मुट्ठी ही खाली हो गई है। पहले फ्री में मोबाइल रिचार्ज कराया गया, फ्री में रात रात भर लड़का सब जो है कान में मोबाइल सटा करके कहता था खाई क्या सब्जी बना है रात भर। अब आपको मालूम है रिचार्ज कितने में हो रहा है? 700 में। अब पहले फ्री में आया था, अब 700 रुपया में रिचार्ज हो रहा है। तो आप यह देखिए कि हम जो चीज पैदा करते हैं उसका दाम हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो इस देश के कुछ धन पशु हैं वो जिन सामान को पैदा करते हैं उसका दाम रोज बढ़ रहा है। किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन किसान कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो कपड़ा रोज महंगा हो जाएगा। यहां माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आज से 10 साल पहले सोना कैसे मिलता था? बोलिए बोलिए बोलिए, दाम बोलिए, दाम बोलने में क्या है? अब कैसे मिल रहा है? 70,000। तो गाना होता था हिंदी फिल्म में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। धरती इस पे जो खेती करने वाले किसान हैं उनके फसल को उनको सोना का दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन उस किसान को जब अपनी बच्ची की शादी करनी है उसके लिए जेवर बनाना है तो जो सोना 35,000 रुपये तोला मिल रहा था आज 70,000 रुपये तोला मिल रहा है। बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो गैस का सिलेंडर पहले 400 रुपए में मिलता था अब 1200 रुपए में मिल रहा है, मतलब 10 साल में महंगाई तिगुनी बढ़ गई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश में आज की तारीख में जितना बेरोजगारी है उतना बेरोजगारी इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि आप रामटेक में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, मैं जानता हूं, मैं बिहार से आता हूं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग नागपुर आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। कम से कम 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा रामटेक से लेकर के नागपुर तक, और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कौन है उनके माँ बाप? उनके बाप माँ बाप खेती करते हैं, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, छोटा मोटा दुकानदारी करते हैं, और वो दुकानदार सपना देखता है कि पेट काट करके अपने बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे, हमारा बच्चा भी टाई लगा करके गुड़गांव में नौकरी करेगा, नोएडा में काम करेगा, बेंगलोर और पुणे में काम करेगा, उसको नौकरी मिलेगी, हमारा जीवन सुधरेगा, और बाजार में जब हम चलेंगे टोपी लगा करके तो लोग कहेगा कि इंजीनियर का बाप जा रहा है। आज इंजीनियरिंग की हालत क्या है? एक साल में 5.5 लाख से ज्यादा इंजीनियर इस देश में पैदा होते हैं और 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। इंजीनियर बन करके गांव और घर में बच्चे बैठे हुए हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे की हकीकत क्या है कि रेलवे की हकीकत यह है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली है। 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा। क्यों दिया जाएगा? बाप गृह मंत्री बन गया है, बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, हमारे आपके बच्चे को रोजगार मिले कि नहीं मिले कौन पूछ रहा है? यह बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। इसीलिए जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि आपका दुख है और आप अपने दुख को जानते हैं। आपकी सच्चाई है और आप अपनी सच्चाई को जानते हैं। अगर आप अपनी सच्चाई को जानते हैं, आपको मालूम है कि आपके पेट में दाना है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपके बैंक में धन है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपका रोजी रोजगार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर आपको मालूम है अपनी हकीकत, तो हकीकत बुनने के नाम पे जो जुमलेबाजी और बेईमानी की जा रही है उसका बदला आप लोगों को लेना चाहिए, उसका मुकाबला आप लोगों को करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करने के लिए आया।